नमस्कार, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्यूटीफुल हमेशा पे। आज हम बात करने जा रहे हैं हरी धनियों के फायदों के बारे में। हरी धनिया हम इस्तेमाल करते हैं खाने को सुंदर और स्वादिष्ट बनाने के लिए, पर क्या ये आपको मालूम है कि छोटी सी हरी धनिया में भी फाइबर, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी और पोटाशियम होने के कारण ये हमारे पूरे शरीर को तंदुरुस्त और अनचाहे रोगों से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करती है। हरी धनियों में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक के प्रॉपर्टीज़ के होने के कारण ये हमारे चेहरे से शिकन को दूर रखती है। हरी धनियों को पीसकर थोड़ी सी हल्दी उसमें मिलाने से और चेहरे पे लगाने के बाद हमारे चेहरे को ये बहुत ही ज़्यादा साफ और सुंदर दिखने में बहुत ही मदद करता है। हरी धनियों में एंटी एलर्जी के प्रॉपर्टीज़ के होने के कारण हरी धनियों के पत्तियों को सिर्फ सूंघने से ही हमारे छींकें रुक जाती है। अगर आपको बाल गिरने का समस्या है तो आप हरी धनिया का रस बालों पे और स्काल्प पे लगा लीजिए। इससे बाल मजबूत और गिरने का सिलसिला बहुत ही कम हो जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हरी धनिया बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है और दिल की बीमारियों से हमें सुरक्षित रखने में पूरी मदद करती है। हरी धनियों से हमारी पाचन शक्ति, वह है डाइजेस्टिव सिस्टम, को साफ और सुरक्षित रखने में मदद करती है। इससे कैंसर जैसे बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। धनियों को मुंह में रखने को और चबाने से मुंह के दुर्गंध और मुंह के छालों का समस्या भी ठीक हो जाता है। अगर आपको खून की कमी है या हीमोग्लोबिन की कोई प्रॉब्लम है तो आप एक कप हरी धनिया का रस लेके उसे हर दिन पी लीजिए। इससे हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये था हमारा वीडियो जो कि हरी धनियों के फ़ायदों के बारे में बात करता है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अपने चाहते लोगों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।